नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टेक टॉक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके जियो के सिम पर एक बार में दो अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज हो जाए तो क्या होगा, क्या आपका पैसा बर्बाद हो जाता है या आपका वैलिडिटी एक्सटेंड कर दिया जाएगा जिससे कि आप अगले महीने उस प्लान को यूज कर पाओगे। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को रिचार्ज कराने के लिए पैसा दे देते हैं या बोल देते हैं, हमें तो वो भी रिचार्ज करा देता है और हम भी रिचार्ज करा लेते हैं। ऐसे में दो अनलिमिटेड प्लान हमारे जियो के सिम में रिचार्ज हो जाता है, तो बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा पैसा बर्बाद चला गया या मतलब मेरा रिचार्ज एक ही साथ दोनों चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले तो अगर आपने दो अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज कर लिया है तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा आपका। जब एक अब पहले जो अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज करवाया है, जो आप पहले जो अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज किए हो वो पहले चलेगा और जब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, तब आपके जियो के सिम पर दूसरा प्लान जो है, जो आपने एक ही साथ दो रिचार्ज कर लिया, वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका इंटरनेट बैलेंस कम हो जाता है, आप सोचते हो कि दोनों प्लान हम एक ही साथ यूज करें, तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको माई जियो ऐप में जाना होगा और उसके बाद आपको माई जियो ऐप में जाने के बाद माई प्लान पे क्लिक करोगे तो आपका जो एक्टिव प्लान है आपके जियो के सिम में वो भी दिखाई देगा और जो आपने एक एक्स्ट्रा रिचार्ज करा लिया है अनलिमिटेड प्लान वो भी दिखाई देगा कि आपका ये रिचार्ज प्लान है। आप इसको चाहो तो आप भी एक्टिवेट कर सकते हो या जब ये आपका करेंट प्लान जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपने एक ही साथ दो अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज करा लिया, चाहे कोई भी प्लान 149, 199 या 399, 599 कोई सा भी प्लान आप दो एक साथ रिचार्ज कराते हो तो एक बार में एक ही एक्टिवेट होता है और उसके बाद जब आपका एक प्लान ख़त्म हो जाएगा उसका वैलिडिटी, तो दूसरा अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। कि अगर आप दोनों प्लान एक साथ यूज करना, आपको इंटरनेट की ज़्यादा खपत है, अगर आप चाहते हो दोनों प्लान एक ही साथ यूज करना तो भी आप कर पाओगे। आप माई जियो ऐप में जाओगे, माई प्लान में जाओगे तो जो आपका प्लान चल रहा है वो दिखेगा और जो आप एक्स्ट्रा एक प्लान रिचार्ज कर रखे हो वो भी दिखेगा। तो आप चाहो तो उसको उसी टाइम एक्टिवेट कर सकते हो दूसरा प्लान का, लेकिन आप दूसरा प्लान मत एक्टिवेट करना। एक जब ख़त्म हो जाए तो दूसरा अपने आप यूज होने लगेगा जिससे कि आपका पैसा बचत हो जाएगा। अगर आप किसी ऑफर के तहत चाहते हो कि आपका कोई प्लान चल रहा है जियो का और एक और प्लान रिचार्ज कर लूँ जिसमें आपको मान लीजिए कि ऑफर चल रहा है कि 199 का रिचार्ज आपको 99 रुपये में ही हो रहा है, तो आप आराम से अगर आपका प्लान का वैलिडिटी बाकी है तो भी कर सकते हो। जब आपका करेंट प्लान ख़त्म होगा तो वो एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।